नमस्कार, मुझे राजलक्ष्मी स्वागत जनाऊँगी आपण को आम चैनल राजलक्ष्मी किचन रे। वर्षा पगरे आमको किसी गरमा गरम छणा कि भजा खाइबा को इच्छा हुए तो आप बाहर को न जाए केमी मार्केट भली आलू चप घरे बनई पारे मुझे आज वीडियो रे ताहा शेयर करी। या पूर्व जदि आप चैनल नुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइकन को प्रेस करने को भूलिबे नि वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम पाइबा। तो चलत स्टार्ट करवा आज वीडियो। प्रथमे आमे आलू मसला बनाई दबा। मुझे आलू मसला बनवाई दुईटी मीडियम साइज़ रो सीझा आलू नहीं गोटे मिक्सिंग बाउल रखिकी स्लाइड चकड़ी दबा। आलू को आमे बेसी चिकन करके चकड़ी आलू चप्रे आलूटा टिके खदड़ा रहिले ही खाइबा को भल लगे। तापरे आमे गोटे कड़ाई दुई रु तीन चामच तेल गरम करवा। तेल भलसे गरम ही आसवा पर से गोटे टी स्पून पंचफुटन पकईद। पंचफुटन भलसे भाजी हो कि तार बास्ना आसवा जाए आम पंचफुटन को एमती भाजवा। तापरे से गोटे मीडियम साइज़ रो प्याज को एमती छोट पीस काटिकी पकईद। प्याज सॉफ्ट होगा जाए आम प्याज को एमती फ्राए करवा। तापरे से गोटे टी स्पून कंचा लंका आ चारु पांच पीस भुसंग पत्र पकईकी आ गोटे मिनट जाए फ्राए करवा। देखो पियाज सॉफ्ट हो जाए कलर भी टिके चेंज हो जाए। आम गोटे टी स्पून अदा रसुण पेस्ट पकईद। तांगे गोटे टी स्पून हलदी पाउडर आ गोटे टी स्पून लंका पाउडर पकईद। तापरे ताको भलो से मिसे की अदा रसुण कंचा स्मेल जीवा जाए आम मसला टी एम कषा। गैस रो फ्लेम मीडियम रे रखिकी आम मसला को एमती दुई रु तीन मिनट पर कषा। तापरे से हाफ टी स्पून जीरा पाउडर गोटे टी स्पून धनिया पाउडर आ गोटे टी स्पून गरम मसला पाउडर देकी आम भलसे मिसेकी मसला को आउ दुई रु तीन मिनट पर कषा। तापरे से दुई टेबल स्पून भजा बादाम को पकईद। आपण बादाम को पियाज पकेबा आगरो तेल रे पकईकी भाजी दे पारिबे नहले आपण जदि मो भली भूली जाय थांदे ताहले परे ताकु एमिते तेल रे टिके भाजिकी नहले खाली भाजिकी आपण मसला संगे मिसे दे पारिबे। तापरे से दुई टेबल स्पून सिझा मटर पकईद। तापरे ताकु भलो से मिसे कि मसला को आम आउ दुई रु तीन मिनट पर एमती कषा। देखो मसला भलो से कषी जाइए। एबे से चकटिकी रखि आलू को पकईद। तापरे से वन टी स्पून आमचूर पाउडर स्वाद अनुसार लुण आ कि कटा धनिया पत्र पकईद। तापरे ताकु भल भाव मिसईद। गैस रो फ्लेम को लो रे रखिकी आम आलु आ मसला को एमती भल भाव मिसईद। तापरे गैस को ऑफ करके आकु आम ठंडा हाबापाई छाड़ी दबा। आलू मसला ठंडा होजा पर तार आम बॉल्स बनईद। मुठी मीडियम साइज रो बॉल बनाऊँ आपण आपण पसंद हिसाब से सान बड़ करें। देखो आमर आलु चप स्टफिंगटा रेडी। तापर आम आलु चप को छाणी बेटर टी बनईद। गोटे मिक्सिंग बाउल रे गोटे कप बेसन को एमती चल पकईद। बेसन रे जदि गोटा अंश रही जाए थाए ताहले बेटर बनैबा बेले सेथिरे लम्प्स रही जिवार चांसेस अछि। तो जदि आमे बेसन को एमती टिके चलै देबा बेसनटा भलसे मिक्स हे जिवो आ बेटर आमर लम्प्स फ्री भी रहिवो। तापरे सेथिरे स्वाद अनुसार लुणा पकै देबा।
ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁଚପ ଆମର ଭଲସେ ଫୁଲିଥାଏ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ବେଟର୍ଟି ବନାଇଦେବା। ଏକାଥରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବାନି, ନହେଲେ ବେଟର୍ ପତଳା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ପାଇଁ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ବେଟର୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବାନି, ନହେଲେ ସେଇଟା ଆଳୁଚପରେ ଭଲସେ କୋଟ୍ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ମୋଟା ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆଳୁଚପ ଖାଇଲା ବେଳେ ବେସନର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟର୍ର କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସି ବିଲକୁଲ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁଚପ ଛାଣିବା ପାଇଁ ବେଟର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁଚପକୁ ଛାଣିବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବନେଇଥିବା ବେଟର୍ରୁ କିଛି ପକାଇଦେବା। ଯଦି ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ତେଲ ଛାଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ବନେଇଥିବା ଆଳୁ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ବେଟର୍ରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ କୋଟ୍ କରିକି ତେଲରେ କେୟାରଫୁଲି ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ଆମେ କେୟାରଫୁଲି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ଆଳୁଚପକୁ ଛାଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁଚପ ପୋଡ଼ିବନି ଆଉ ଭଲସେ ଛାଣି ହେବ। ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଆଳୁଚପକୁ ଏମିତି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଚପର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁଚପକୁ ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ରେ ରଖିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ବାକି ଆଳୁଚପକୁ ବି ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। ଆଳୁଚପକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଚିଲି ସସ୍, ନହେଲେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ନହେଲେ ଗୁଗୁନି ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆକୁ ଚା ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଚପ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଚପର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।